23 जुलाई 2012 खून से रंगी सड़कें, रोती बिलखती जनता और लाशों के ढेर, यही था इतिहास उस नकतेड़े अखिलेश यादव के राज का। उस गुंडा राज में क्या नहीं झेला उत्तर प्रदेश ने, दंगे, हत्याएं, बलात्कार और ना जाने क्या क्या। 23 जुलाई 2012 का वो दिन जब यूपी ने आतंक का मंजर देखा था, बरेली सांप्रदायिकता की आग में धधक रहा था और अय्याश अखिलेश सो रहा था। दरअसल कावड़ यात्रा ले जा रहे श्रद्धालुओं पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया, विवाद झगड़े और दंगे में तब्दील हो गया, लेकिन अखिलेश के कान में जू तक नहीं रेंगी। देखते ही देखते बरेली सुलगने लगा, शासन मौन, प्रशासन मौन, चारों तरफ सिर्फ दंगे ही दंगे। पथराव से लेकर गोलीबारी तक शुरू हो गई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए, एक मासूम की जान भी चली गई, लेकिन इस बेशर्म नकतेड़े को कोई फर्क नहीं पड़ा। दंगे की आग अभी तक शांत नहीं हुई थी, बल्कि उल्टे फैल रही थी। दंगाइयों ने हिम्मतगंज स्थित सब्जी मंडी और जागी नवादा क्षेत्र में कुछ दुकानों को भी आग के हवाले कर डाला था। भय और भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाले के राज में अब भय और भ्रष्टाचार युक्त शासन चल रहा था। इस अखिलेश ने यूपी को इतने जख्म दिए कि गिनने के लिए उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी। ये गद्दार फिर से अपने ख्वाब देख रहा है, लेकिन इसे खाई तक आपको पहुंचाना है। इसे बताना है कि यूपी की जनता विवाद नहीं बल्कि विकास चाहती है।